बदतमीजी पर उतरे बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन। विकेट न मिला तो अंपायर से भिड़े, स्टंप्स पर मारी लात। बांग्लादेश में खेली जा रही ढाका प्रीमियर लीग में स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का एक हैरान करने वाले वीडियो सामने आया है। ढाका प्रीमियर डिवीजन 20 डट क्रिकेट लीग में हैरानी भरा दृश्य देखने को मिला। बांग्लादेश में खेली जा रही ढाका प्रीमियर लीग में स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का एक हैरान करने वाले वीडियो सामने आया है। ढाका प्रीमियर डिवीजन 20 डट क्रिकेट लीग में हैरानी भरा दृश्य देखने को मिला। दुनिया के नंबर एक वनडे ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने मैदानी अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताते हुए स्टंप पर लात मारी और बाद में स्टंप उखाड़ कर फेंक दिए। मैदानी अंपायर ने शाकिब अल हसन की गेंद पर LBW आउट का फैसला नहीं दिया था। LBW की अपील पर अंपायर के नॉट आउट करार दिए जाने पर शाकिब बदतमीजी पर उतर आए और अंपायर से भिड़ पड़े। इसके बाद बांग्लादेश के ऑलराउंडर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए स्टंप पर भी लात मारी। सोशल मीडिया पर शाकिब का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस बर्ताव के लिए उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब और अबाहानी लिमिटेड क्लब के बीच मैच मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेल रहे शाकिब अल हसन ने अपने बांग्लादेश टीम के साथ ही और अबाहानी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे मुशफिकुर रहीम के खिलाफ LBW की अपील की। जब अंपायर ने फैसला नॉट आउट सुनाया तो शाकिब आग बबूला हो गए और गुस्से में स्टंप पर लात मार दी। इसके बाद जो दूसरा वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि शाकिब ने सारी हदें पार कर दी। उसमें दिख रहा है कि अंपायर के साथ बातचीत के दौरान उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने हाथों से स्टंप्स को उखाड़ फेंके और विकेट को पिच पर पटक दिया। शाकिब अल हसन ने जो किया उसे लेकर क्रिकेट फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। फैंस ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड व ICC ये यहां तक मांग कर दी उन्हें बैन किया जाए। কি করলো দেখছেন পাগল হয়ে গেছে সাহেব কোন দেখে।